हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जिनका यूज बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है और इनके यूज के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन सभी इंजेक्शंस के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम रेनिटिडिन इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। यह पेट में एसिड के उत्पादन को कम करके काम करता है। यह एसिड से संबंधित अपच और हार्टबर्न की समस्या से भी राहत दिलाने में मदद करता है। और बात करें तो डोपामाइन इंजेक्शन का प्रयोग हार्ट अटैक, संक्रमण, हार्ट की सर्जरी या चोट के कारण होने वाले निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजेक्शन हार्ट फेल में भी उपयोगी है। यह हृदय की पंपिंग क्षमता को बढ़ाकर शरीर में रक्त के प्रवाह में सुधार करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और बात करें तो सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल मूत्र मार्ग, त्वचा का संक्रमण, हड्डियाँ, खून, पेट में, फेफड़ों में और महिलाओं के जन्म अंगों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और सर्जरी के बाद होने वाले संक्रमण को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो हाइड्रोकोर्टिसोन, यह इंजेक्शन सूजन और एलर्जी पैदा करने वाली रक्त कोशिकाओं की संख्या को कम करके और एलर्जी और सूजन से संबंधी प्रक्रियाओं को रोकता है और उनका इलाज करता है। अब हम डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में बात कर तो इस इंजेक्शन का प्रयोग एलर्जी, दमा, कैंसर, चर्म रोग, आंखों की बीमारी, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, गाउट, गठिया, ये इस इंजेक्शन के कुछ यूजेस के बारे में जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं ओंडेंसेट्रोन इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन का प्रयोग जिम चलाना या उल्टी को रोकने के लिए यूज में लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अटोरपिन इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन का प्रयोग कब किया जाता है? दिल की धड़कन धीमी पड़ जाना, हार्ट रेट का कम हो जाना के इलाज में किया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग कार्डियक अरेस्ट के मामलों में दिल की धड़कन को दोबारा शुरू करने के लिए यूज में लिया जाता है। इस इंजेक्शन को लार का स्त्रावण कम करने के लिए और जनरल एनेस्थीसिया से पहले इस इंजेक्शन को दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन का उपयोग दमा यानी कि सांस की दिक्कत को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो कोरियोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यह फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें फेफड़ों में हवा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है, का इलाज करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यह वायु मार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है और सांस लेना आसान बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं पेंटाप्राजुल इंजेक्शन के बारे में। यह क्या करता है? पेंटाप्राजुल इंजेक्शन आपके पेट में उत्पादित एसिड की मात्रा को कम करके काम करता है। इस इंजेक्शन का उपयोग पेट और आंत के एसिड से संबंधित रोगों जैसे कि एसिड रिफ्लेक्स का होना, अपच की समस्या होना, पेप्टिक अल्सर डिजीज और अत्यधिक एसिड से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं MVI इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है? इस इंजेक्शन का उपयोग विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। आंखों की बीमारी में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। हृदय रोगों में और विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तंत्रिका संबंधी समस्याओं में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। छाती के दर्द में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डिक्लोफेनेक इंजेक्शन के बारे में। डिक्लोफेनेक इंजेक्शन का उपयोग कब लिया जाता है? इस इंजेक्शन का उपयोग मांसपेशियों का दर्द, दांत का दर्द, गठिया संबंधी दर्द, सिर का दर्द, जोड़ों का दर्द, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोअर्थराइटिस, गाउट, माइग्रेन, टांगों में दर्द, किसी प्रकार का कोई दर्द हो उसको ठीक करने के लिए डिक्लोफेनेक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब वीडियो के लास्ट में हम एविली इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग कब लिया जाता है? इस इंजेक्शन का उपयोग त्वचा में खुजली, त्वचा पर चकत्ते होना या आपकी नाक बहती हो, छींके आना, खुजली होना, आंखों से पानी होना जैसी समस्याओं को राहत देने के लिए
इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किसी कीड़े के काटने, पित्ती और एक्जिमा के कारण होने वाली खुजली, दाने और जलन के कारण होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ इंजेक्शन थे जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।